नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। हनी ट्रैप की कलंक कथा के सारे किरदार अभी पर्दे के पीछे हैं। चंद विषकन्याओं को छोड़कर अभी आधिकारिक रूप से किसी के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन संभावित खुलासों को लेकर सनसनी मचने लगी है। बीजेपी को आशंका है कि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ केवल बीजेपी नेताओं के पॉलिटिकल एनकाउंटर के लिए किया गया है। जांच का दिखावा जारी है, क्योंकि कथित तौर पर किन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के वीडियो हैं इसका खुलासा नहीं किया जा रहा। पुलिस ने केवल हरभजन सिंह से पूछताछ की, लेकिन जिन लोगों के नाम ये लेडी गैंग ले रही हैं, आखिर क्यों उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे? जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर इन विष कन्याओं का मुंह बंद किया, उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आए? क्या इसका खुलासा नहीं होना चाहिए? बीजेपी आखिर सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है? आखिर संघ के सक्रिय होने के पीछे क्या राज है? वो कौन से कांग्रेस के विधायक हैं जिन्हें फांसा गया या उसकी तैयारी थी? क्या पुलिस बताएगी कि कौन से पूर्व या वर्तमान मंत्री इन हनी के ट्रैप में फंस चुके हैं? शायद नहीं। क्या वाकई ये महिलाएं ब्लैकमेलिंग का गृह उद्योग चला रही थीं, या फिर इनके पीछे कोई शक्ति काम कर रही थी? शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो प्रदेश में हनी ट्रैप कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है। निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के हनी ट्रैप से हुए खुलासे के बाद अब उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आरोपी पांच महिलाओं के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और एसएमएस से चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। इनमें एक केंद्रीय मंत्री और भाजपा संगठन के बड़े पदाधिकारियों तक भी आंच पहुंच रही है। हालांकि बीजेपी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गई है। देखिए ये सनसनीखेज रिपोर्ट। हनी ट्रैप से एमपी में मचा हाहाकार। पर्दे के पीछे छिपे हैं कई किरदार। केंद्रीय मंत्री से भी जुड़ रहे गैंग के तार। सीबीआई जांच को क्यों तैयार नहीं सरकार? मध्य प्रदेश की राजनीति पर कालिख पोतने वाले हनी ट्रैप मामले में जितने खुलासे हो रहे हैं, उतनी ही इसकी गुत्थी और उलझती जा रही है। पांच महिलाओं की गिरफ्तारी से शुरू हुआ मामला सियासत के अंधियारे गलियारे में घूम रहा है, जहां बड़े बड़े रसूखदार और सफेद पोशों से लेडी गैंग के तार जुड़ रहे हैं। पुलिस पर भारी प्रेशर है और वो आदेशानुसार सुविधाजनक जाँच कर रही है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के कई नेताओं के नाम कथित तौर पर उजागर किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन विधायकों, मंत्रियों या बड़े नेताओं पर इस लेडी गैंग ने डोरे डाले, उनमें से किसी का नाम भी किसी प्लेटफॉर्म पर देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। सियासत में साजिश आम बात सी लगती है, लेकिन यहाँ जिस तरह एक रैकेट संचालित कर एक दो नहीं दर्जनों नेताओं, अधिकारियों को फंदे में फंसा गया, उस पर हैरानी हो रही है कि आखिर कानून के रक्षक ही उसके भक्षक बनकर चुपचाप इस लेडी गैंग की कारगुजारियां देख भी रहे थे और उसका हिस्सा भी बने हुए थे। ऐसे में दोनों ही दल दिखावे के लिए एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी, तो बीजेपी के कुछ नेता दबी जुबान में केवल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनको कैसे मालूम कि सरकार गिराने की कोशिशें हो रही है? ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री जांच की स्क्रिप्ट भोपाल में तैयार कर रहे हैं, सरकार तैयार कर रही है। समाज को गंदा करने वाले कोई भी चेहरे अगर इनके पास हैं, तो विजुअल फुटेज वो जनता के सामने आना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए और बेनकाब हों। अगर नहीं करते हैं सीबीआई जांच की घोषणा, तो हम ये मानेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी संलिप्त हैं। हनी ट्रैप का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेताएं उसमें आए हैं, पूरी जांच चल रही है, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और हमारे सरकार, कमला जी सरकार को अस्थिर करने के लिए इन्होंने इस तरह से उनकी नेत्रियों को लगाया था, लेकिन हमारे जो गृह मंत्री है उनने इन सब चीजों का संज्ञान लेकर हमारी पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि गैंग ब्लैक मेलर्स की गैंग को पकड़ लिया है, और न तो इस सरकार को अस्थिर कर पाएंगे और इनको हम बेनकाब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री जो कभी चार इमलियों
74 बंगलों सी हवाली लाइन में रहा करते थे, वो सबके नाम इसमें आ रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा। उधर इंदौर में आरती अहिरवार उर्फ वर्मा उर्फ दयाल और उसकी संगी साथी मोनिका यादव अपने सर्वोत्तम अभिनय का प्रदर्शन करने में जुटी हैं। कोर्ट में रिमांड की अवधि बढ़ते ही बेहोशी का ऐसा अभिनय किया कि अच्छी से अच्छी अभिनेत्री भी पनाह मांगे। जाहिर सी बात है कि जिनकी अदाओं पर जनता के रहनुमा मर मिटे हों, वो अपनी अदाकारी पर क्यों न इतराएं। खैर, पुलिस जो भी टूटी फूटी जाँच कर रही है उसमें आम लोगों के लिए कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मसलन, श्वेता जैन ने भोपाल में टैप सप्लाई की कंपनी खोली थी जिसमें काम करने वाले कर्मचारी कुछ ही महीनों में बाइक से कार पर आ गए थे। सरकार बदलते ही श्वेता ने कंपनी बंद कर दी। 2016 में श्वेता जैन एडीजी रैंक के अधिकारी को अपने जाल में फंस चुकी थी। 3 करोड़ ऐंठने के बाद भी श्वेता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब एडीजी के कहने पर पुलिस ने उसे चुपचाप उठा लिया, लेकिन उच्च स्तर से ऐसा दबाव आया कि उसे छोड़ना पड़ा। लेडी गैंग के संबंध दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई नेताओं से भी थे। कई नेता रात 2 बजे तक इनसे कॉल पर बात और चैटिंग करते थे। कई आईएएस और आईपीएस अफसर ने भी इनके साथ संबंध बनाए। राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अफसर भी इनके शिकार बने। कॉल डिटेल्स में 100 से ज्यादा महिलाओं के नाम आए हैं। हनी ट्रैप मामले में अब केंद्र सरकार की तरफ से आईबी भी मैदान में उतर गया है। इस ट्रैप में भाजपा के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों की क्लिप पुलिस के हाथ लगी है। भाजपा को खतरा है कि सरकार इस जांच का उपयोग भाजपा नेताओं के पॉलिटिकल एनकाउंटर के रूप में कर सकती है, लिहाजा आईबी की टीम ने समानांतर तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस घटना से संघ भी चिंतित है और पूरी रिपोर्ट नागपुर तलब की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छतरपुर की आरती दयाल संघ के कार्यक्रमों में भाग लेती रही, हालांकि संघ ने इससे इनकार किया है। कुल मिलाकर हनी ट्रैप की इस गटर में जितना उतरेंगे उतने ही राज खुलते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो चलिए, इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हनी ट्रैप का मामला दिन पर दिन जिसमें कई राज खुलते जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कोई वाकई मास्टरमाइंड है या फिर ये चंद महिलाओं की करतूत थी जिसकी जद में इतने नेता आते गए, इतनी मासूमियत से वो करोड़ों रुपए की रकम इन महिलाओं को देते गए, इतनी आसानी से ये महिलाएं उनसे प्रॉपर्टी खरीदती गईं, अपना कारोबार चलाती गईं, ये सब कुछ होता रहा जबकि इसमें कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी फंसे थे। तो इसीलिए यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये सब इन चंद महिलाओं का काम था और ये जो शक है कि इसके पीछे वाकई कोई बड़ी ताकतें हैं वो पुख्ता होते जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं स्टूडियो में चर्चा के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव हैं, बीजेपी की ओर से विधायक है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ रवि जी आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन सबसे पहले जो सीधा सवाल है डॉक्टर साहब आप ही से है, बीजेपी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है जबकि अभी कुछ देर पहले राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन भी कर दिया जिसमें पूर्व डीआईजी श्रीनिवास वर्मा को इसका चीफ बना दिया गया है। क्यों आखिरकार आप सीबीआई जांच की मांग करें, क्या शक है? जो एक बात आ रही है सामने कि पॉलिटिकल एनकाउंटर ना हो जाए कई नेताओं का, क्या ये बड़ी चिंता है आप लोगों को? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार धीरे धीरे जिस तरफ बढ़ती जा रही है, वास्तव में ऐसे कई सारे मसले हैं जिन मसलों से लगता है कि वो अपना टाइम पास कर रही है। अब जैसे कोई पॉलिटिकल अपराध हो जाए और उसको उस ढंग से देखे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे घिनौने अपराध में जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, हमको सबको लगता है कि सरकार का ये तरीका बजाय सीबीआई के और किसी रास्ते पे जाने पे उनका इस बात का खुलासा नहीं हो पाएगा। ज़्यादा बेहतर है कि एक लाइन पकड़े और सीबीआई जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी गलती हो, जिस किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना किसी अधिकारी की बात, जहाँ जिसकी जो इस जद में आएगा, जो गलत करता वो कीमत चुकाएगा। नहीं, लेकिन मोहन जी ये देखिए, जो मेरा हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि कई नेताओं के नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखिए, ये सुनते सुनते 8 दिन हो गए। हाँ, एक दिन की बात नहीं,
और इतना बड़ा रैकेट है, इतनी बड़ी बात है कि जितनी उसकी गंभीरता के साथ जांच होना चाहिए उस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। और कमलनाथ जी इस सब मामलों को समझते, लंबा उनका पॉलिटिकल जीवन है, हम ये समझ सकते हैं कि सुचिता के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि सीबीआई जांच कराए। रवि जी, क्या दिक्कत है सरकार को सीबीआई जांच से? अब सीबीआई के बारे में तो आपको मालूम है, जब व्यापम का मामला हमने दिया उसके बाद से आप देख लें लगातार किस तरह से व्यापम के लोगों को जमानतें मिली और किस तरह से वो कोर्ट से बाहर जेलों से बाहर आ गए, और जो एक मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जेल से बाहर आए हैं उनका भी नाम इस रैकेट में है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है जो सीबीआई की ये जो मांग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके नेता उसमें फंसे हुए हैं और इनके नेताओं पर कुछ तरह की आंच ना आए। एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ रहा है और वो भी हैं, तो अब निश्चित रूप से जब इतने सारे लोगों का नाम आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तो एकदम जैसे कहना चाहिए कि सांप सूंघ गया जैसी स्थिति हो रही है। एक इनके संगठन मंत्री जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे उनका नाम आ रहा है, उनकी सीढ़ी तो शायद बाजार में आ भी गई है। अच्छा, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा वो सामने आ रहा है लोगों के, तो उसी की घबराहट है कि अब ये मध्य प्रदेश में अगर SIT ने अगर जांच कर ली और दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो हमारे जो तथाकथित चेहरे हैं उन चेहरों पर से नकाब उठ जाएगा। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं दीपेश, कि कांग्रेस पार्टी के भी अगर कोई लोग हों तो उनके भी चेहरे उजागर होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए मैं सीधी बात कर रहा हूँ, और ये जो हो रहा है ये दीपेश मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हमने कई बार सुना है कि इस तरह के काम हुए हैं, क्रिस्टन क्लियर कांड से लेके और काफी कांड हुए हैं और कई महिलाओं के कई तरह की बातें सामने आई हैं, पर एक संगठित गिरोह के रूप में एक सरकार को अपदस्थ करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करना मैं समझता हूं आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। हमने विश्वकन्याओं के बारे में भी सुना है जो कि सत्ता से राजा को बेदखल करने के लिए उपयोग की जाती थी, गणिकाओं का भी सुना है, नगर वधुओं का भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है। पर संगठित ग्रोह के रूप में एक सरकार को अपदस्थ करने के लिए जिस तरह की साजिश और षड्यंत्र किया गया है निश्चित रूप से ये बहुत एक नई बात है। और नहीं नहीं रवि जी, देखिए यहाँ पर इसलिए आपको रोक रहा हूं, बार बार कह रहे सरकार को स्थिर करने के लिए, अभी तक जितने नाम आए वो तो सब बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं, आपके कौन विधायक थे, कौन मंत्री थे, कौन क्या था, उनका तो एक नाम नहीं आया। अच्छा, अगर ये सरकार को अस्थिर करने के लिए करते तो इनके नाम कैसे उजागर होते, यही समझ में नहीं आया। मैं यही कह रहा हूँ, वो कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी दूसरों के लिए जैसे गड्ढा खोदता है ना, अच्छा, तो वो खुद खाई में गिर जाता है। तो हुआ यही है कि ये जो इनके सब पाले पोसे हुए लोग थे ना जो एक ग्रोह के रूप में काम कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये लोग को हम उपयोग करके या दुरुपयोग करके सत्ता को से इनको बेदखल कर देंगे। पर पहले ही राज खुल गया ना, पहले ही मालूम पड़ गया कि भैया ये जो ग्रोह है ये तो ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद बोले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरह की हल्की बात इतने हल्के स्तर पर होना अब सर्वाधिक निंदनीय है। अब आप मोहन जी, आप जिस प्रकार से आपको तकलीफ होगी, वो तकलीफ नहीं हो रही, जिस प्रकार से आप देखिए छप गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस में छप गया, कांग्रेस की कोई बात नहीं है, मुद्दा देखिए मोहन जी आपने आरोप लगाया। मोहन जी मैं किसी से बात आरोप नहीं, आई हिम्मत कराई है सीबीआई, नहीं नहीं मैं क्यों रोक रहा हूँ, तो हो रही है ना जांच, आप सीबीआई और वहाँ आप दबाव डाल के बोल रहा हूँ, आपको बीच में बोल रहा है, मेरी बात गलत हो रही है, फोन साइलेंट कीजिए रवि जी, मैं आपसे जी ये फोन साइलेंट, मैं मोहन जी देखिए अब सीधी सी बात, अगर आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे
तो ये जाएगा सीधे सीधे मैसेज कि साहब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सीबीआई केंद्र के अंडर में होती है, ऐसे में शायद बीजेपी को सीबीआई का सहारा है। देखिए साहब, यहाँ पर उनकी बात चल रही है, हमारी सरकार थी यहाँ माननीय शिवराज जी की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने सीबीआई जांच करवाई कि नहीं? आपने नहीं कराई, ये कोई बात आपने नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ लिख के आया करो मोहन जी, आप विधायक हो, आपको कम से कम गलत बयान नहीं होना चाहिए। रवि जी आप गलत बयान ही क्यों कर रहे हैं? बोलिए, आपका टाइम आज बताइए। ठीक रवि जी, आप बोले तो ठीक है, मैं तो ना गलत हूं। रवि जी कौन सी बात है? रवि जी बात इतनी सी है कि अगर आप इतना गंभीर मसला है, जिस मसले पे बात निकली थी, ये आईएएस अधिकारी आ रहा है, वो आईपीएस अधिकारी आ रहा है, इस पार्टी के लोग आ रहे हैं, उस पार्टी के लोग आ रहे हैं, एक इतना बड़ा गंभीर मसला एक सरकार के चलते, जिससे संभावना ये रहती कि सरकार अगर किसी को बचाना चाहती इसलिए टीआई को हटा देती, इसलिए बार बार अधिकारियों का नाम हट रहे। अरे ये भाई, ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक प्रकरण में आप चार आदमी जो सीधे इन्वॉल्व उनको नहीं ला रहे, क्यों बचा रहे हैं उनको और उन महिलाओं की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ हो रहे, तो आखिर कौन सा तरीका है जिसमें आप बता दो, जांच हो जाएगी। चलिए राजेश जी का कमेंट जी मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन सिरोठिया जी का कमेंट पहले मैं चाहूंगा। ये सर जो इतने दिन की जो अभी कलंक कथा मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर एक कलंक की तरह है, क्योंकि हालांकि नाम अभी किसी नेता का आया उसका नहीं आया, लेकिन जो जाहिर सी बात है जो क्लिप मिली है, उसके अलावा जो महिलाओं ने कबूली है बातें, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि बहुत एक बड़ा जाल फैला था जिसमें कई बड़े हस्तियां, रसूखदार, सफेदपोश लोग फंस चुके हैं, करोड़ों का लेन देन हुआ। लेकिन पहले आपका कमेंट मैं चाहूंगा कि अब तक जो कुछ हुआ है, ये क्या जांच ठीक दिशा में जा रही है, या ये जो कांड हुआ है इसके पीछे क्या कोई मास्टरमाइंड है, या फिर केवल ये महिलाओं की करतूत थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जो ब्लैकमेलिंग वाला चार्ज लगाया गया है, और ब्लैकमेलिंग वाला जो चार्ज लगाया गया है, उस चार्ज के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी कानूनी दृष्टि से जब तक एफएसएल में जांच नहीं हो जाती, वो जो क्लिप्स मिले हैं, हजार क्लिप्स हैं कहने को तो, लेकिन वो क्लिप्स टेम्पर्ड तो नहीं है, उसकी एफएसएल जांच होती तब तक नहीं कह सकते इसमें क्या है। लेकिन एक बात बहुत सही है जिस पर कि सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि चार महिलाओं ने अपने रूप सौंदर्य का दिखा के, है ना, और एनजीओ के लिए सरकारी धन लिया, जो कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लिया। ठीक, वो हनी प्रोजेक्ट जो चले हैं हनी ट्रैप के चक्कर में, उनका क्या है, उसकी कौन जांच करेगा? उसकी जांच होगी तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स जलील और बदनाम होने वाले हैं। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका तो बहुत अलग है, वो सिर्फ वही मंत्री इन्वॉल्व हैं बीजेपी के हों या कांग्रेस के, जो कि एनजीओ के द्वारा इनका पैसा, जिनके विभागों से एनजीओ को पैसा मिलता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, और एक ब्यूरोक्रेट से ही उसकी रिपोर्ट कराकर, ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट कराकर इन लेडीज़ को पकड़ा गया है। ये तो खुलेआम कर रही थी, आज की बात थोड़ी है। इनमें से कुछ के नाम अभी सामने आए, श्वेता जैन का तो बहुत पहले से लोग पता है, उसको सागर में लोग लेडी डॉन के रूप में जानते थे, कट्टा लेके चलती थी साथ में, उसको कौन आप कर सकते हैं? और सबको पता है कि उसकी भाजपा के किन मंत्रियों से नज़दीकियाँ थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के शायद सर आपत्ति ना जताएं। नहीं नहीं जी, मान देखिए, मैं सुनी राख साहब को, आप वो नहीं कर रहे हैं तो भी आप मतलब बीच में बोल रहे हैं, तो अभी जैसे वो मैं अभी मेरे को कह लेने दीजिए बात, ठीक, आपने बहुत देर मौका मिला, नहीं तो अभी यहाँ लड़ाई में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण जाँच जो है, कल मैंने लिखा भी था इस विषय में कि भैया हनी ट्रैप तो हो गया, और उसका कानून में अदालत में क्या हुआ क्या नहीं होगा एक अलग बात है, ये सीबीआई की जांच का तो मामला बनता ही नहीं है। अच्छा। ये कोई इतना मामला नहीं, हाँ सीबीआई की जांच इस चीज में जरूर हो सकती है कि हनी ट्रैप के चक्कर में फंस के गवर्नमेंट के फंड को किस तरह तार तार किया गया, किस तरह किया गया, एक चीज। और उसके लिए आज एक इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लग गई है कि ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, हाई कोर्ट की निगरानी में पुलिस की जांच, और जो हनी ट्रैप के जरिए, जो हनी प्रोजेक्ट के जरिए जो पैसे जो है बर्बाद हुए हैं मध्य प्रदेश शासन के, या इनको लुटाए गए हैं अपनी हवस मिटाने के नाम पर, उनको, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उसके निर्देश देने की मांग की गई। तो कंक्रीट बात ये है, हवा हवाई बातें, अब मुझे तो कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या पदस्थ करेंगे सरकार को, मुझे हास्यास्पद लगता है, कांग्रेस का इस आरोप ही हास्यास्पद है।
ये बात सही है कि बीजेपी के मंत्री उसमें शामिल थे, लेकिन आपके कांग्रेस के भी कई नेता उसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से जो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से चली हैं और बहुत तेज़ी से इन लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू किया ब्लैकमेलिंग करके, या तो देखो प्रोजेक्ट मिल जाता था किसी अफसर से तो वो ठीक है, जो प्रोजेक्ट वाले नहीं थे वो आईपीएस अधिकारी क्या प्रोजेक्ट में देता है इनको मदद, तो उसको पैसे मांग लिए ब्लैकमेलिंग करना। और वो भी अभी एक चीज़ आ रही है कि वो टेप जो है सही है या नहीं है, क्योंकि वो टेप भी ऐसा है कि कोई दूसरी ब्लू फिल्म का टेप है, उसको माफ़ करके इसमें चेहरा लगा के वो थोड़ा सा दिखा दिया और आदमी को उसने वो करना शुरू किया। तो ये देखिए इसमें तो समाज में जिस तरह के लोग हैं जो नैतिक पतन और चारित्रिक पतन जो किया है, और सबसे बड़ी चीज़ है इस तरह से आप सरकारी धन का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप अपने निजी शौकों के लिए, ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसके ऊपर कमलनाथ जी को भी फोकस्ड होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे की लूट होती रहे उसमें कोई भी पार्टी को इसमें हक नहीं है कि वो इनको बचाए। देखिए डॉक्टर साहब, जो दिग्विजय जी ने कल कहा कि साहब जो श्वेता जैन थी वो बीजेवाईएम से जुड़ी रही, दूसरी बात एक जो अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया कि श्वेता जैन 2016 में भी एक एडीजी रैंक के अफसर से 3 करोड़ रुपया वसूल चुकी थी, उनके इशारे पर पुलिस ने उठा भी लिया लेकिन फिर उसको छोड़ा गया क्योंकि कोई प्रेशर आया, तब 16 में आपकी यहाँ भी सरकार थी वहाँ भी सरकार थी, तो ये बीजेपी से कनेक्ट हो रही है श्वेता जैन, यही दिग्विजय कह रहे हैं बार बार। मैंने फिर बोला, दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारा प्रदेश आम तौर पर बहुत अच्छे प्रदेश की गिनती होती है। एक चीज बोल देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें राजनीतिक दल कहीं नहीं है, श्वेता जैन जो है बीजेपी से कनेक्ट थी तो बरखा सोनी भटनागर कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन ना कांग्रेस पार्टी ने उनको ये करने की इजाजत दी होगी ना भाजपा ने दी होगी, ये इंडिविजुअल केस है और ये लोगों को इनको प्रेशर जरूर मिला है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो। ये बात देखिए बिल्कुल सही बात है, माने सरोठिया जी ने कहा ये हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी से हट करके, मैं तो समझता हूँ कि इसमें माननीय कमलनाथ जी बीजेपी के जिस भी बड़े नेता के साथ बैठ करके बात करना चाहे कि हम अपनी पार्टी के अंदर बगैर कोई संकट के कांग्रेस हो या बीजेपी, कम से कम हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं कल से हमारी सबकी छवि खराब हो रही है, ऐसे में कौन अपने तो काम गलत किया है तो छवि तो खराब होगी। तो गुप्ते से इसीलिए कह रहा हूं उसकी जांच कराएंगे ना, मैंने क्या बोला अभी मैंने बात पूरी नहीं की, मेरा ये कहना कि जिस भी स्तर से जांच कराना है उसकी उच्च स्तर से जांच करके बजाय राजनीतिक कोई एंगल लेकर के उसमें निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उस पर उसकी सजा होना चाहिए, उसको पकड़े, लेकिन आप उसको पॉलिटिकल हथियार की तरह मत उपयोग करिए। ये जो पॉलिटिकल एंगल बन गया है खाली बीजेपी को ब्लेम करना और अन्य प्रकार की बात करना, नए सिरे से नाम निकालना, रोज झूठ से छपवाना, ये तरीका लगाने का अर्थ ही है कि आपके मन में कुछ गलत बात है, आपको उससे बचना पड़ेगा। फिर क्या करना, अगर आप पुलिस को इस ढंग से यूज करोगे तो पुलिस सरकार तो हर किसी की बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन जिसकी छवि बन जाती है बिगड़ जाती है उसकी आत्मा से पूछिए। इसलिए इस मामले में मैं फिर निवेदन करता हूं कि अगर उनको लगता है कि सीबीआई नहीं कोई हाईकोर्ट से जांच होती, हाईकोर्ट से कराइए, जो उच्च स्तरीय जांच से करा सकते हैं, लेकिन हम माफ करिए एक बात कि आपने इस प्रदेश को बचाना ये दोनों पार्टी की जवाबदारी है और ऐसे गंदे लोगों को उजागर करना हम उनके साथ बिल्कुल होना चाहिए। देखिए रवि जी, जब व्यापम जांच के लिए एसआईटी शिवराज जी ने गठित की थी तो आप ही लोग कहते साहब इन्हीं की नाक के नीचे, इन्हीं के आदेश पर सब जांच हो रही, इन्हीं के मतलब इनके अंडर में है, फिर कैसे निष्पक्ष जांच की। मैं जोड़ना चाहूंगा मोहन जी की, एक चीज जोड़ूंगा, ये चूंकि एक ब्लैकमेलिंग का मामला है जो एक 4 महिलाओं ने किया है, लेकिन ये कृपा करके ऐसा ना हो जाए कि ये पुलिस की ब्लैकमेलिंग करने का औजार बन जाए या सरकार ब्लैकमेल करने लगे, इसको इंश्योर करना होगा। और जो वाकई में दोषी हैं उनके ऊपर गंभीर से गंभीर एक्शन लेना चाहिए, जिन भी ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं उनकी सिविल आचरण सेवा नियम जो है उसमें चारित्रिक दोष के आधार पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो देखिए सिरोठे जी, अब जब चंद दिन पहले एसीएस साहब का आया था सबको पता था वायरल वीडियो, क्या हुआ उनको छुट्टी पे भेज दिया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी कैसे, मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है भाई, सीधी सी, लेकिन हुआ नहीं ना कुछ, दिक्कत यही तो है, शक हमको यही तो, आशंका यही तो है कि साहब अगर बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, अगर टीआई लेवल का या एसएसपी लेवल की अधिकारी जांच कर रही थी तो जो अगर बहुत आला अधिकारी है आईएएस या आईपीएस उन पर, उनको कैसे वो शिकंजे में ले पाती। रवि जी इसलिए इस जांच पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको दीपेश पहले ही कहा है कि ये जो धाराएं हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर केस लगा है, ये इन धाराओं में एसआईटी गठित कर दी गई है और इनकी जांच राज्य सरकार के अंतर्गत किया जाना मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है, और इसके लिए सीबीआई की मांग करना मैं समझता हूँ कि एक जिसे कह रहे हैं हास्यास्पद बात है।
निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से सक्षम है इस तरह के नहीं इस तरह इससे बहुत बहुत गंभीर अपराधों को बस्ट करने के लिए। माननीय कमलनाथ जी ने SIT गठित करा दी है, उसमें DIG लेवल के श्रीनिवास जी को बना दिया गया है, जांच हो रही है और मैं समझता हूँ लगातार बीजेपी कह रही है कि साहब आप हमारे लोगों के नाम तो उजागर कर देंगे, बाकी नाम कब आएंगे? जो सिरोठिया जी कह रहे थे कि साहब फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, तमाम बातें, तो भाई वो महिलाओं के चेहरे क्यों उजागर कर दिए गए? या तो पहले जांच होने दी, या तो उनका नाम पता जन्म तिथि कुंडली वगैरह सब आपने मीडिया के सामने रख दी। अगर या तो आप जांच कर चुके हैं या तो उनको दोषी मान चुके हैं, नहीं तो फिर जिनके जो साथ में है उनके चेहरे भी उनके भी नाम उजागर कीजिए। यही तो नहीं हो रहा, इसलिए तो जांच पे सवाल उठ रहा है। पूरी घटनाक्रम को पहले समझिए। इंदौर में हरभजन ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की, ठीक है, जब कंप्लेंट की इन महिलाओं के खिलाफ तो इनको गिरफ्त में लिया गया। ये कोई किसी के कहने से नहीं हुआ है, कोई पॉलिटिकल केस से नहीं हुआ है, एक अधिकारी ने कंप्लेंट की पुलिस में, उन्होंने FIR कराई कि साहब मुझसे इस तरह से धमकी देके पैसे मांगे जा रहे हैं, ये लोग हैं और ये लगातार इस तरह का ग्रो चला रहे हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो निश्चित रूप से जब पुलिस ने केस दर्ज किया, पुलिस ने उन लोगों को उठाया है। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, वो रकम लेने आई थी इंदौर और वहां पर उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, ये भी मान रहा हूं। मैंने यही कहा कि जब पुलिस को गाइडलाइन है, आप दीपेश पूरी बात को समझें, जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे रंगे हाथ लिया जाए? तो भाई 1 करोड़ की डिमांड थी, उन्होंने कहा भैया 50 लाख में दे सकता हूँ, आ जाओ। फोन कराया, ये लोग पहुंच गए लेने के लिए, तो साफ हो गया कि यही लोग हैं वो जो इस तरह के काम करते हैं। पकड़ लिया गया, पकड़ के जांच चालू हुई है। जांच चालू हुई तो इनके मोबाइल्स में से कई वीडियोस निकले हैं और कई लोगों के नाम निकले हैं, कई तरह की चीजें हुई हैं, तो वही चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं है, पुलिस ने कोई मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई खुलासे नहीं किए हैं, केवल और केवल मीडिया और प्रेस जो जहां से जो छनके आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, और उन बातों के आधार पर सारी पेपरों में छप रहा है। सिरोठिया जी, तो क्या मीडिया भी हवा में लटक चला रहा है? पहली चीज ये है कि जो जांच करने वाले TI है उसने अदालत में ये बोला है कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, अधिकारियों के, मंत्री हो, ठीक है, उसने कोर्ट को बुलाया, उसी आधार पर उनको रिमांड मिला है, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा है, जमानत नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फैक्ट ये है कि 3 करोड़ रुपये मांग रही थी, 50 लाख वो दे चुका था, उसने अपनी कंप्लेंट में ये कहा है कि 50 लाख दे चुका था, 3 करोड़ मांग रही थी। तो क्या अभी तक हरभजन सिंह जी से किसी ने ये सवाल किया कि श्रीमान, पुलिस ने ये सवाल किया कि श्रीमान जी ये 50 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? और आप 3 करोड़ की आपकी हैसियत अगर वो मांग रहे हैं, आपकी समझ रही हैं, तो आपने जो होटल में गुलछर्रे उड़ाए हैं उनके साथ में, तो वो कहाँ से, किस कहाँ से रकम उड़ाई? क्या वो भ्रष्टाचार की नहीं है? क्या आपने उसके भाई को काम नहीं दिया है? नहीं राजेश जी, मैं भी एक बात आपको कहना चाहता हूँ, उसके खिलाफ भी FIR हो चुकी है। नहीं, हरभजन के खिलाफ भी FIR नहीं, FIR नहीं हुई है, केवल इंदौर महापौर ने उसको सस्पेंड करने, नहीं नहीं, वो तो हटा ही दिया है, उसी आधार पे हटा है, क्योंकि पुलिस ने केस उनके खिलाफ। अभी जो ताजा रिसेंट जो 5 बजे खबर आई वो ये है कि केस दर्ज हो सकता है हरभजन, हो सकता है, हो चुका है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो है ये हरभजन सिंह की बात नहीं लग रही है, ये बात लग रही है बहुत बड़े बड़े जो बल्लम बैठे हुए ना मंत्रालय में, ये उनके ऊपर जब बात आई है तो उन्होंने एक किसी आदमी को आगे करके ये किया। ये पॉलिटिकल ड्रामा कम है, ये ब्यूरोक्रेटिक ड्रामा ज़्यादा है, ठीक है, और इसके पीछे सारी चीज़ें हुई हैं। और जिस तरह से एक SSP रैंक की अफसर रुचिवर्धन मिश्रा वहाँ जाँच कर रही थी, और अब उनकी जगह पर श्रीनिवास वर्मा को SIT का बनाना, ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि SIT में श्रीनिवास वर्मा यही है, इन्हीं के कारण से व्यापम के मामले में जो मामला बिगड़ा था वो इनका बहुत बड़ा रोल था। रवि जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, नहीं आपको पता ही नहीं है तो कहाँ से? देखिए पुलिस की जांच, पुलिस की जांच आपको पता ही नहीं है सर? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, सब आप ही लोगों को मालूम है। नहीं ये बताइए, ये फैक्ट नहीं मालूम? नहीं, मैं मुझे मालूम है D. श्रीनिवास राव को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। ये वर्मा की बात हो रही है, बात कर रहा हूँ इनकी भी बात कर रहा हूँ, आपने जिनकी भी कहे वो D. श्रीनिवास राव की बात थी और ये वर्मा है। नहीं श्रीमान, मैं सुन लीजिए, चलिए आप ठीक होगा, मैं गलत ठीक कहता हूँ।
पर जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक देखिए नरोत्तम जी ने सीधे चुनौती दी, उन्होंने कहा भैया अगर आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो मानेंगे कि आप तो नरोत्तम जी को जानते हैं क्या? नरोत्तम जी को आप जानते नहीं है, मुद्दों को भटकाना उनका बहुत बड़ा चगल है और वो उनकी बहुत कलाकारी है। वो मुद्दों को किस तरह से भटकाते हैं, घटनाओं का घटनाक्रम को किस तरह से मोड़ने की काबिलियत रखते हैं वो आपको मालूम है। तो वो खुद चाहते हैं कि भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो तो आप समझते हैं कि बात जो है निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत संभल संभल के बोल रहे तो इन दिनों नेता, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्या जो वो कह रहे हैं कि चाह रहे हैं वो सीबीआई में पहुंच जाए तो जो हम लोगों पे जो आंच आ रही है वो आंच ना आए, उसको उसको रोक दिया जाए। हाई कोर्ट से ही हो जाए भाई जी। डॉक्टर साहब जी, आपको ध्यान में होगा कि सेम केस व्यापम का जब इंदौर में कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज जी से बोला था, इसी प्रकार से घटना की शुरुआत हुई थी जो घटना अभी बताई जा रही है। लेकिन उसी बात पे कांग्रेस ने कितना हल्ला मचाया था, कांग्रेस का चरित्र दोहरा हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस जो करे वो सब सही, बाकी सब गलत। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको कांग्रेस बीजेपी न करके बेहतर ये होगा कि आप जो आपको लगता हो, हम तो कह रहे हैं कि वाकई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को लाए, क्या मना? आप सीबीआई जांच की जिद छोड़िए ना, आप कहिए कि नहीं, हमने हमने तो कहा कि आप जिस भी, लेकिन कम से कम ऐसा काम करिए मोहन जी, यहां इस बात पर मैं आज नहीं, मोहन जी इस बात से मैं सहमत हूं। ये आप मध्यप्रदेश पुलिस पर विश्वास कीजिए, मैं आप पर नहीं कर रहा हूं। आपने एसएसपी रैंक की एक अच्छी बड़ी अधिकारी को हटा करके आपने उस राव को घुसाया जिस पे एसएसपी का आरोप लगा। आप मुझे बताओ एसएसपी से डीआईजी बड़ा होता है कि नहीं? आपको मालूम ही नहीं दोनों एक है? आपको आप दोबारा बोल रहा हूं, आपको जानकारी नहीं होती, लीजिए इंदौर में डीआईजी रैंक का आदमी ही एसएसपी बनता है। भाई वो डीआईजी सीनियर डीआईजी है, वो फिर वो बात से बड़ा है, मालूम ही नहीं है, बड़ा अनुभवी व्यक्ति है। निकल के बोलो जरा, आप बोल रहे हैं मुझे क्या जानकारी मालूम है? आपको ये मालूम है कि डीआईजी रैंक का आदमी वहां एसएसपी बनता है? अरे भाई डीआईजी रैंक का नहीं बनता है वहां पे। अच्छा चलिए ठीक है, हम उस पर सीनियर एसपी रैंक का बनता है। अरे फिर वो डीआईजी का पद अलग है, डीआईजी रूरल होता है भाई। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं रवि जी कि इन्हीं सब विवादों से बचने के लिए क्या एक हाई लेवल, ये देखिए अरविंद सिंह को सस्पेंड कर दिया गया इस वक्त, एक बड़ी खबर आ रही है। काई में भी तक नहीं हुई इस पे। हाँ, नहीं आप नहीं हो गया ना सस्पेंड? हाँ सस्पेंड कर दिया गया है, मेयर के पत्र से हुआ है। ठीक ठीक, बीजेपी की मेयर है, बीजेपी की मेयर ने कहा है कि अगर वो उनने 50 लाख की रिश्वत दी है तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले चिंता करना चाहिए। एक मेयर ने आकर माननीय उस समय की तत्काल अभी हमारी महापौर ने इस बात को बोला है, इंदौर की मालिनी गोड ने। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर इस तरह से आप सस्पेंड करें, उस पर एक्शन लेते, लेकिन सस्पेंड करके या वो करके, तो आगे से सब लोग ब्लैकमेल होते रहेंगे और कंप्लेंट करने के लिए कोई आगे नहीं। तो अभी भी चुप्पी साधे हुए ना। और इस अभी हो रहा है आगे की है, फंसे कई लोग, अब 40 सीडी एक ही आदमी की तो बनी नहीं है। जितनी भी क्लिप है बता रहे 100 से ज्यादा महिलाएं हैं इस रैकेट में शामिल। अब ये पुलिस के सूत्री, अगर कॉल डिटेल में 100 महिलाओं के नंबर आ रहे हैं, सिरोठिया जी हम इसलिए कह रहे हैं कि सीबीआई को शायद इसलिए आना चाहिए। और सीबीआई पे अगर आपको ये लग रहा है, सबको लगता है कि वो केंद्र के अंडर में चलेगी और बीजेपी के नेताओं को बचाएगी, मैं आपको लीगल स्टेटस बता दूं जी, अगर राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को देगी भी तो सीबीआई नहीं लगेगी इसको। आप समझिए, सीबीआई कोई केस को मेरिट बेस पर लेती है। आप जो एक ये जो एक दैहिक व्यापार का और ब्लैकमेलिंग के छुटपुट मामले, ये सीबीआई नहीं लेती है। सीबीआई दो स्टेज में लेती है, या तो हाई कोर्ट को जो जांच की मांग की है ना, या तो हाई कोर्ट अगर निर्देश दे तो वो बाइंडिंग है सीबीआई के लिए, और या सुप्रीम कोर्ट दे या कोई भी अदालत दे, या सीबीआई सोमोटो ले। लेकिन अगर सोमोटो तो ले ही नहीं सकते, लेकिन राज्य सरकार निवेदन करे तो भी वो ठीक है उसके मेरिट पे। लेकिन अगर बीजेपी भी तैयार है, अगर दोनों ही तैयार हो जाएंगे तो शायद फिर सीबीआई को लेना पड़े। मैं दीपेश यह कहना हूँ कि भाई एसआईटी जब जांच कर रही है उसको जांच से भटकाने के लिए, अभी जांच शुरुआती दौर में है और शुरुआती दौर में ही आप अगर अभी सीबीआई चलना लगोगे, जो कि अभी राजेश जी ने बताया कि सीबीआई को केस ऐसे नहीं जाते हैं, और हर अगर ऐसे केसेस जाने लगे तो फिर सीबीआई तो जो बड़े बस्ट करती है केसेस वो तो कर ही नहीं पाएगी, उनके पास इतना तो है नहीं कि हर छोटा मोटा केस राज्य सरकार का वहां करने लगे। केस भी नहीं सुलझा पाई, इतनी महान है सीबीआई। मैंने यही कहा कि सीबीआई तो इतनी महान है कि अभी 3 साल हो गए हैं हमको दिए हुए, जांच कर रही है। हाँ, अभी बाकी सब जमानत कर करके निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जांच हो रही होगी। तो मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मोहन जी और राजेश जी, मैं दोनों आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, एसआईटी गठित हुई है उसकी
उसकी जांच होने दीजिए, जांच को भटकाइए मत। जो मोहन जी की भावना है, जो भी चेहरे हैं, वो सब बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों। इसमें कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि ऐसा ही होना चाहिए, और मैं समझता हूँ सारे पत्रकार भी चाहते हैं। एक जाँच को होने दीजिए, फाइंडिंग्स आने दीजिए, चीजों को सामने आने दीजिए, और निश्चित रूप से जो भी चीजें आएंगी वो छुपेंगी तो है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा कि रवि भाई बोल रहे हैं कि व्यापम के मामले को पहले खुद ही मांग कर रहे थे आपके सीबीआई को दो, पूरा हल्ला मचा पूरा प्रदेश, सीबीआई पे आरोप लगाने लगे। मैं ये कह रहा हूँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जिस तरह सामने है तीन साल से आज तक एक काम एक केस में उन्होंने सजा नहीं करा पाया। फैक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं, कोई पॉलिटिकल बात वही नहीं सर, मैं वही आप सुन लो, आप मांग हमने की थी आपके लिए, हाँ आपने की थी ना, मैं तो कह रहा हूँ, और अब आप ही कह रहे हो मान नहीं नहीं पर जब देख रहे हैं कि नहीं कर पा रहे तो सुन तो लो भैया जी, बता लो यार दादा जी बता, वो इसलिए सीबीआई नहीं कर पा रही है कि एसटीएफ ने जो उठा के हर किसी को बगैर पक्के सबूतों के वो किया था, तो उसकी स्क्रीनिंग में टाइम लगता है। और दूसरी एक बात समझ लिए, एसटीएफ मध्य प्रदेश सरकार के जो वो है उनका रुख अलग होता है, सीबीआई जो है किसी को जेल में पटकने के लिए जेल में नहीं भेजती, वो कन्विक्ट करने के लिए करती, वो इतने तथ्य बनाती है कि अगर कन्विक्ट हो रहा है तो ही उसका चालान पेश करती, नहीं तो नहीं करती है। और कोई जेल के अंदर है बाहर है उसको इस बात से बहुत लेना देना नहीं होता है, जब तक कि कोई बहुत सीरियसली ऑनगोइंग प्रोसेस ना हो या कोई सीधे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हो, ठीक है। तो ये वो केवल कन्विक्शन वाले केस करते हैं, ये आप उस बात को समझिए। ये ऐसा नहीं है एसटीएफ में सुधीर शाही ने जिसको कहा भैया इसको रवि सक्सेना को बना दो तो इनको बना दिया, उन्होंने कहा लक्ष्मीकांत को बना दो तो उनको बना दिया, ये जो है ना ये खेल नहीं है ऐसा। सीबीआई बहुत जांच परख करती है और बहुत बड़ी संस्था है, और हमें उसको उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके भी 10 साल राज रहा है उस पर तब भी सवाल उठाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें बड़ी संस्थाएं जो स्थापित संस्थाएं हैं चाहे वो जुडिशरी हो चाहे जांच एजेंसी है, इन पर हमें शक नहीं करना चाहिए और इनको उनको उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए। सिरोठी जी देखिए ये इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन ये एक बात है, लेकिन अगर वो जो महिला हैं दोषी हैं, दोषी क्या कहें, जो आरोपी महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि साहब हमने इसको कॉल डिटेल में तमाम चीजें हैं, इसलिए कि जो रुपयों का लेन देन हुआ या टेंडर आपने अपने मन से दिलवाया किसी को नौकरी दिलवाई, वो तमाम कैसे जांच से कह रहा हूं कि वो जांच अपनी पुलिस करती रहे, एक जांच इस बात की अलग से बैठना चाहिए। वो जो जिस सेक्सुअल वाला जो मामला है इसको करे इंदौर पुलिस, एसएसपी जो श्रीनिवास वर्मा जी को बनाया गया है उनको ये जांच दें कि किन किन एनजीओ को फायदा, इनके कौन कौन से एनजीओ थे, इनको क्या क्या फायदा मिले, किस किस तरह से दिए, और इसमें कौन लोग दोषी हैं। तो ये मामला जो है ना ये गंभीर मामला है, ये करप्शन का मामला है, इस पे एक्शन होगा। ये तो इनको तो दो चार महीने की सजा होके छूट जाएंगे, ठीक बात, लेकिन जो भारत की जनता का मध्य प्रदेश की जनता की जेब का जो पैसा गया है इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। ठीक जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए जो माने सिरोठे जी ने कहा मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो अपराध हुआ है वो अपराध अपराध की जगह है जिससे हनी ट्रैप की जो आपने बात कही, लेकिन इसके बिहाव पे जो बाकी वल्लभ भवन से जो लेन देन हुआ है, वल्लभ भवन अरे आप इस बात को बताइए, मतलब आप बताइए चीफ सेक्रेटरी आज को एक अरेस्ट आईएएस अधिकारी को डिपुट करके इन विभागों की जांच कराए। मैं रवि सक्सेना से काम मिला है सक्सेना जी को, कौन से कागज रवि सक्सेना जी को चुनौती देता हूँ कि अरेरा क्लब की मेंबरशिप लेके बताएं, वो महिलाएं जो अभी चार दिन की एनजीओ का काम कर रही हैं, उनको आपने एक सबसे प्रतिष्ठित क्लब है आईएएस अफसरों का उसकी मेंबरशिप मिल गई, कैसे मिल गई भैया। जो एरेरा क्लब की मेंबरशिप मिलती है वो चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे मिलती है, एक इंटरव्यू होता है कपल का इंटरव्यू होता है और उसमें भी आईएएस बैठते हैं, और वो जब कहते हैं कि हाँ इसको देना चाहिए तब एरेरा क्लब की मेंबरशिप होती है, और आज की डेट में वो मेंबरशिप 7 लाख रुपए की है, सुन लीजिए मेरी बात। और जब ये दी गई है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चीफ सेक्रेटरी कौन था ये भी आपको मालूम है, इकबाल सिंह, वो क्या नाम है उनका, डीसा सर नहीं, वो प्रशांत प्रताप सिंह नहीं, एक और है ना वो मुस्लिम, क्या नाम उनका, सुलेमान नहीं एक और है ना बड़े सीनियर हैं, उनके जमाने में मिली हुई है, और निश्चित रूप से ये जो कुछ भी हुआ है प्रेशर में हुआ है। तो मेंबरशिप कैसे मिली है, किसने दिलाई है, ये कोई जांच का विषय है। आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने भी रिकमेंड किया होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बात तो सुनिए, जिसने भी रिकमेंड किया है उसने आईएएस क्लब की गरिमा को कहां तक पहुंचा दिया कि आज क्या आईएएस अफसर
और ये इस तरह के सेक्स रैकेट वाली महिलाएं और ये इनका गठजोड़ बनेगा, कार्टेल बनेगा यहाँ अफसरों और उद्योगपतियों का, क्या इसके लिए रकम? लेकिन एम सिरोठी जी, एक इसका जवाब सबके जहन में है कि क्या वाकई अस्थिर करने की कोशिश, आप कह रहे कि नहीं, लेकिन 28 विधायकों की फिर बात कैसे आई कि वो निशाने पर थे या रडार पर थे या कुछ मंत्री थे, किस खेमे के थे, यहां तक बातें आ गई सामने, या मीडिया का अति उत्साह है? ये तो भैया मैं इसको बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि ना तो किसी ने इसको ऑफिशियली कहा है और ना कोई मैं इस तरह की थ्योरी वो चली है कुछ अखबारों में, और मुझे तो दया आती है जब कांग्रेस के लोग भी उस तरह की अफवाहों को हवा देते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ ये महिलाएं सरकार गिरवा देंगे, क्या करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं होने को तो साफ तख्ता पलट तो करवा नहीं, तख्ता पलट नहीं होता था, वो विषकन्याएं जो है ना वो राजा को मार देती थी विष खिला के, लेकिन ये वो वाली विषकन्याएं नहीं है। तो रवि जी ये शराब पिलाने वाली कन्याएं, क्या कोई ऐसी जानकारी है कि आप लोगों के पास में कि वाकई इतने विधायक थे, क्या उन विधायकों से आपने कोई पूछताछ की कि इनमें से किसने आपसे संपर्क किया था? नहीं देखिए ये बात पीसी शर्मा साहब ने की है और पीसी शर्मा साहब के ही वक्तव्य के बाद ये सारी चीजें बाहर आई हैं और पेपर अखबारों में और मीडिया में ये बात गई है। तो निश्चित रूप से वो मंत्री हैं, उनके संज्ञान में कोई बात आई होगी, किसी लोगों ने कंप्लेंट करके बताया होगा कि साहब इसमें ये भी होना वाला था और इस तरह की भी चीजें हो रही थी और जो आपके विधायक हैं उनको भी टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से पीसी शर्मा साहब ने कहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर कहा है, और अगर कहा है तो निश्चित रूप से सही तो होगा ही, कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। देखिए रवि सक्सेना जी ने जो बात कही, मैं तो दोनों दो बयान देख रहा हूँ, माननीय भोपाल के मंत्री जी कुछ कहते हैं और गृह मंत्री जिनके अंतर्गत पुलिस आती है बाला बच्चन जी, कल उन्होंने स्पष्ट इनकार किया, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है ना कोई इसमें कोई जुड़ता मुद्दा। अब ये तय करेगी कि आखिर कौन क्या कहना चाह रहा है और सही क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इस बजाय चक्कर में पड़ने के बेहतर ये होगा कि एक तो इतना बड़ा रैकेट जैसे चलता चलते यहाँ तक आ गया, भोपाल जैसी राजधानी में नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो हमारे बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें खाली उनके भरोसे के मुकदमा बन गया और उनके मुकदमे पर ट्रायल हो रहा है, इतने में बात नहीं होना चाहिए। जहाँ वल्लभ भवन के लेवल पर वो मोबिलाइज हुई वहाँ जाँच होना चाहिए, वहाँ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़कर के जिस ढंग से घटना की तार जा रहे हैं उसमें उतनी बड़ी जांच एजेंसियों को उतने संसाधन चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं, नहीं लेकिन आप सगुफे बाजी ये वो जोड़ के अच्छे खासे विषय को टर्न कराने का हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रयास न करें और झूठी बात तो बिल्कुल न चलाएं दोनों पार्टी के लिए, जो हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, पर मुझे एक बात बताएं, क्या श्वेता जैन आपकी पार्टी की नहीं थी? अरे फिर बरखा पटना का कौन है? तुम हमारी कोई पार्टी की नहीं? अच्छा ये हमारी पदाधिकारी नहीं है, कमाल पार्टी की क्या बात हो गई? ये क्या बात है? सुन लीजिए मेरी बात, सुन मीठा मीठा हमारे कोई कड़वा कड़वा पदाधिकारी नहीं है, ये क्या बात? कह दिया तो कह देगा, तो मैं भर दोबारा दे रहा हूँ, अमित सोनी से मेरा तो तीनों से सवाल है, अमित सोनी का ये सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कहा है? मैं तो केवल आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, किसी को आप तीनों में से जानकारी तो मुझे बताइए, मेरा सवाल है अमित सोनी आज की तारीख में क्या है, किसी ने मांग की कि उसको गिरफ्तार किया जाए या पुलिस उसको गिरफ्तार, मुझे नहीं पता इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पुलिस है क्या हमसे कहा पूछ रहे हैं? पुलिस से पूछिए आप लोग, ये काम पुलिस का है, पुलिस करेगी। आपकी पार्टी से हमारी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तीन महीने पहले सस्पेंड किया, निकाल चुके हैं। कमलनाथ जी की अनुशंसा पे उसको लाया गया था? नहीं, कमलनाथ जी की कोई अनुशंसा पे नहीं आया, सब कागजों में साफ है। ये नहीं चाहूंगा की आप ये बात कोई कभी 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 अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दूंगा अगर कमलनाथ जी की कोई आप रिकमेंडेशन दिखाएंगे। आप चैनलों पे बैठ के झूठ बोलते हैं। आपने कहा ना तीन महीने पहले उसको सस्पेंड किया। नहीं एक मिनट, अभी आप क्या कह रहे थे कि उसका कभी रहा नहीं? दिखा दीजिए, मैं अभी आपके चैनल पे कह रहा हूं रवि जी, सारे पदों से इस्तीफा देके अभी हाल में कांग्रेस छोड़ के चला जाऊंगा। रवि जी आपने ये माना कि नहीं वो आपकी पार्टी से जुड़ा था? हमारी पार्टी में आईटी सेल में तीन महीने पहले उसको निकाल दिया गया। जुड़ा तो था ना? जुड़ने से क्या होता है? तो जुड़ा तो निकाला तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जुड़ा तो था ना वो, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। सक्सेना भी जुड़ा था ना? हाँ तो कहिए ना, बिल्कुल बात कहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो जांच की बात कह रहा हूँ बात सुन लीजिए, इनके यहाँ तो ध्रुव सक्सेना ऐसा एजेंट था ना, फिर उसके बारे में उसके बारे में भी बात कर लीजिए। अब चलिए फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। फिर आप क्या बात, कौन कौन सी पार्टी में था नहीं था, ये इतना रिलेवेंट सवाल नहीं है। क्या उनने उस पार्टी का इस्तेमाल किया उसके लिए, ये सवाल महत्वपूर्ण है। नहीं मुझे तो ये जो अभी दोनों की जो चुप पार्टी पार्टी के हिसाब से कि किसी पार्टी ने मदद की हो श्वेता जैन की या बरखा भटनागर की,
तो ये बात बनती है, लेकिन पार्टी ने नहीं किया, पार्टी के किसी व्यक्ति ने अगर करी है तो इसके लिए ना कांग्रेस को दोष देना चाहिए ना भाजपा को दोष देना चाहिए। बस मैं कह रहा हूं, जांच पर हम फिर लौटते हैं। रवि जी, आपने अभी एक जांच 11 लोगों की मौत पर भी बिठाई थी, कोई बताएगा उस रिपोर्ट का क्या हुआ? दो दिन में वो रिपोर्ट आने वाली थी। कहने का मतलब ये कि आपने एडीएम रैंक के अधिकारी को जांच दी थी, जिसमें हो सकता कलेक्टर और एसपी की भी जिम्मेदारी मानी जाती, लेकिन एडीएम रैंक का अधिकारी जांच क्या करेगा समझा जा सकता है। वही हम इस मामले में कह रहे हैं कि अगर डीआईजी रैंक का अधिकारी जांच करेगा तो क्या जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस जो पूरी सरकार चलाते हैं वल्लभ भवन में बैठकर, क्या वो उन पर शिकंजा कस पाएगा? सवाल यह है। देखिए दीपेश, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब पुलिस का अगर छोटा सा अदना सा अधिकारी भी अगर जांच करता है और किसी के नाम आते हैं तो कार्रवाई तो निश्चित रूप से होती है। और डीआईजी तो बहुत बड़ा रैंक है, बहुत बड़ा पद है, और जब वो अपनी जांच करेंगे जो सामने आएंगे नाम, उन सबको नामों को कोई वो वहीं पे खत्म नहीं होने वाले। वो कमलनाथ जी के सामने भी आएंगे, बाला बच्चन जी के सामने भी आएंगे, डीजी के सामने भी आएंगे, सारी चीजों पर गहन मंथन होगा, सामने सारी फाइंडिंग्स आएंगी, मीडिया के सामने भी आएंगी कि भाई कौन लोग हैं, किन के नाम आए हैं, और उनका एक चालान बनेगा, चालान पुटअप होगा कोर्ट के अंदर, उसमें सारी धाराएं लगेंगी, पूरी घटनाओं का ब्यौरा होगा, जो कैल्प्रिट्स हैं उनके बयान होंगे, सारी चीजें सामने आएंगी। पर आज आप एक हफ्ते के अंदर ही सारी चीजें आज ही ट्रायल कर देना चाहते हैं, मीडिया ट्रायल कर देना चाहते हैं, मुझे तो बहुत अफसोस की बात। मीडिया ट्रायल, क्या मीडिया ट्रायल करने लगे अभी बैठ के? नाम किसका? अरे भाई कोई आदमी आया है तो ये आज उसका अभी उसकी पदस्थापना हुई है, काम करने दीजिए, आगे फाइंडिंग्स आने दीजिए, बयान आने दीजिए, जो चीजें होंगी सब आपके सामने आएंगी। इतनी अधैर्य क्यों हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। रतनगढ़ की में भी हादसा हुआ तो उसकी भी फाइंडिंग आई थी 2-3 साल बाद, और कलेक्टर एसपी को क्लियर ऐसे तो धार में हुआ तो मैं कह रहा हूं यही होगा क्या? इस मामले में भी नहीं आयोग की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इस मामले में भी क्या? बहुत सारी बातें। अच्छा, एक सवाल का जवाब बस आप दीजिए, जो जिनको ब्लैकमेल किया इन महिलाओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी, क्या उनके भी चेहरे नाम उजागर होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने तो अभी कहा आपको, मोहन जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि जो भी सफेदपोश लोग हैं ठीक है, उन सबके चेहरे उजागर होना चाहिए। और की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए चारों महिलाओं की, और दूसरी वो बता देंगी। और दूसरी बात मैं अभी फिर कह रहा हूं कि आपको जितने जैसे राजेश जी ने कहा, जो अगर गवर्नमेंट फंड्स की अगर जो है बंदरबांट हुई है और उसके अंदर आईएएस अफसरों ने फंड के साथ साथ 8 करोड़ के टेंडर दिलाने की बात हुई है, मैं मेरी बात तो पूरी कर लीजिए, उन्होंने अगर हनी जो ग्रुप है उसको अगर अनड्यू एडवांटेजेस दिए हैं, फंड्स दिए हैं, और उसके बाद उसकी बदौलत उन्होंने सब चीजों को किया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सीरियस क्राइम है, और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इसको इस तरह का किसी भी आईएएस को लुटाने का अधिकार नहीं। लास्ट कमेंट मोहन जी, क्या डीआईजी रैंक का अधिकारी जांच कर पाएंगे? देखिए मैंने फिर दोहराया कि लगभग 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया, ये जो जांच का नाटक चल रहा है, और जांच न के नाटक के बलबूते पर जो इधर उधर के नाम लाला करके जो मूल विषय है उससे दिशा भटकाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि इसको सीबीआई या जो जिस जुडिशियली जांच करा ले, लेकिन जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कराए, बजाय झूठ और इधर उधर की बात करने से मूल चीज से ध्यान भटकेगा, और एक तरफ इधर इसकी जांच हो, दूसरी तरफ जिनने जहां जहां से शासकीय योजनाओं का जो धन की भंडर बांट हुई है उसी लेवल पे भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं यही कह रहा था, आप दोनों लोग समझ गए, धन्यवाद जी आपको। लास्ट कमेंट सर, यही कि केवल ये मामला इतना नहीं कि फंड या ये वो, लेकिन एक नैतिकता की बात भी है कि ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये बंगलों में जो हो रहा है चीजें, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो पहलू मैंने आपको, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए, करप्शन का मामला है एक नंबर, एक चीज नंबर। दूसरी चीज ये है कि करप्शन का मामला है और भ्रष्टाचारी आजकल समाज में पूजे जाते हैं, ये बात भी हमें पता है, तो बहिष्कार की बात कहाँ करते हैं? जहाँ दिखता है कि जिसके पास ज्यादा माल है, नहीं हुआ ना, चिन्मयानंद गए ना, आज उन्हीं की पार्टी के लोग किनारा कर रहे हैं ना चिन्मयानंद। दूसरी चीज ये है कि इसका जो दूसरा मॉरल टर्पिट्यूड का जो मामला है, सिविल आचरण सेवा संहिता के तहत कम से कम सरकार इन जिन अफसरों के नाम आ रहे हैं उनको एक नोटिस तो दे दे, कम से कम उनको कोई सजा देते हैं नहीं देते क्या करते हैं, लेकिन एक नोटिस तो दे दे। बस इतना ही मेरा कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जहां तक वो वीडियो वाला मामला है मुझे शक है कि उसको अदालत की दहलीज पे वो टिक पाएगा, लेकिन ये करप्शन प्रूवन केस है, इसकी आड़ में हुआ है ये, बिल्कुल इसको चलना चाहिए, यही देखना बाकी रहेगा। उम्मीद करते हैं रवि जी की जो जिस जांच की बात या मांग कर रही बीजेपी
ठीक है, आपको उस जांच पे भरोसा है, उस पर भी हम देख लेते, इंतजार कर ही सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरह की रिपोर्ट आती है देखना लाजमी रहेगा। ऐसा ना हो केवल बीजेपी नेताओं के नाम और सब चीज आती रहे, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, बचा लिया जाए, ये चीजें मस्त ना हो। दीपेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ज्यादा फिक्र ना करें, हम किसी के लिए फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम तो कमलनाथ जी की सुन लीजिए मेरी पूरी बात, कमलनाथ जी की सरकार है, पूरी निष्पक्षता से जांच होगी, जो भी कल्प्रिट होंगे उनके चेहरे सामने आएंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी। ये पॉइंट बस आईएएस हो आईपीएस, बिल्कुल यही हम सुनना चाहते। शुक्रिया रवि जी, शुक्रिया राजेश जी, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी तो कलंक कथा के नए नए अध्याय खुलने बाकी है, रोज नई इबारतें लिखी जा रही है, और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वाकई क्या ये महिलाएं अपने स्तर पर ही अपना गृह उद्योग चला रही थी या फिर इसके पीछे कोई मास्टर माइंड छुपा है। ये सच पता नहीं कब सामने आएगा। आज मुद्दे की बात में इतना ही, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।